हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 5th। दिस इज़ अ पार्ट 3rd ऑफ दिस चैप्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी वो चीज़ देख ली होगी। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उससे कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। डू यू नो अबाउट आर नेशनल टीम्स? क्या आप हमारी नेशनल टीम्स के बारे में जानते हैं? इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या आप हमारी नेशनल टीम्स के बारे में जानते हैं? नेशनल गेम ऑफ आर कंट्री इज हॉकी। नेशनल गेम जो है हमारी कंट्री का वो है हॉकी। सो फार इंडिया हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे ओलंपिक इंडिया के अंदर ओलंपिक गोल्ड में ओलंपिक के अंदर इंडिया ने हमें गोल्ड मेडल भी लेकर आए हॉकी में। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। क्रिकेट जो है वो हमारी इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है। इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन न्यूजीलैंड। ये खेला जाता है न्यूजीलैंड के बीच में, साउथ अफ्रीका वॉज इंडियन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, ठीक है। ये खेला जाता है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के बीच, इंडिया वेस्ट इंडियन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ये गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कुछ नेशनल गेम्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि अर्जेंटीना हो गई, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, फुटबॉल, कबड्डी, आर्चरी, ये स्पोर्ट्स हैं। ये कंट्री है जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, यूएसए। स्पोर्ट है सुमो, रेसलिंग, कराटे, टाइकोंडो, रग्बी और बेसबॉल। ये कुछ गेम्स हैं जिसके द्वारा और कुछ स्पोर्ट हैं, है ना, और कोई कंट्री हैं यानी कि इन कंट्री के द्वारा ये गेम खेले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है गेम के अंदर। अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी तो वो गेम भी गेम नहीं कहलाता है। देखिए, इन अ टीम गेम एवरी प्लेयर प्लेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ द टीम इन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स। किसी भी टीम मेंबर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा टीम मेंबर में, ठीक है, तो वो टीम नहीं कभी भी जीत सकती है। दिस इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट। और यही जो चीज़ें हैं वो टीम स्पिरिट कहलाती है। प्लेयर्स इन नेशनल टीम यूजुअली बिलोंग द डिफरेंट रीजन्स, यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं नेशनल टीम के वो यूजुअली बिलोंग करते हैं अलग अलग रीजन से, रिलीजन से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। दे प्ले टुगेदर टू रिस्पेक्ट देयर कंट्री। ये आपस में मिलकर खेलते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। एंड देयर मैनी ऑब्जेक्टिव इज द विन ऑनर फॉर देयर नेशन। टीम स्पिरिट क्रिएट्स सेल्फलेसनेस एंड हैप्पीनेस अमंग प्लेयर्स। टीम स्पिरिट जो होती है वो क्रिएट करती है एक सेल्फलेसनेस और हैप्पीनेस आपस में प्लेयर्स के बीच। अ गुड टीम इज वन इन विच द मेंबर्स फील फ्री टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर इंडिविजुअल आइडियाज। जो गुड टीम की जो एक पहचान है इज वन विच ऑफ द मेंबर्स फील फ्री, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल फील करते हैं, बिल्कुल फ्री कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं देयर इंडिविजुअल आइडियाज को, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन देयर ओन सेल्फ एज वेल एज इन ऑल द मेंबर्स एज मेंबर्स ऑफ द टीम। और उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इसी वजह से आता है कि जो उनके आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो साथ में जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए वो टीम स्पिरिट कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन आर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होता है गेम। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज, यानी कुछ ऐसे वेज हैं जिसके अंदर हम लोग हमारा जो गेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। स्पोर्ट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड एक्सरसाइज टू द बॉडी एंड माइंड। जो स्पोर्ट होता है वो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि प्रोवाइड करवाता है हमको एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर का और माइंड की। इट कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है और हेल्दी रखती है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड इन्जॉय आर सेल्व। स्पोर्ट्स और गेम्स जो होते हैं वो हम लोगों को हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। चिल्ड्रन हु प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मोर कॉन्फिडेंट। जो बच्चा गेम खेलता है, ठीक है, और स्पोर्ट्स खेलता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। स्पोर्ट्स हेल्प अस इन स्टेइंग फोकस एंड नॉट इंक्लूड इन हेल्दी अनहेल्दी हैबिट्स। स्पोर्ट हेल्प करता है हम लोगों को फोकस रहने के लिए और इंडल्ज
इन अनहेल्दी हैबिट्स, और हम लोगों को इससे अनहेल्दी जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी हैबिट भी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, स्पोर्ट टीचर एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग मोटिवेशन डेडिकेशन एंड टीम वर्क। स्पोर्ट टीचर जो होता है वो स्पोर्ट टीचर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करता है, गोल की सेटिंग करता है और मोटिवेशन बनाता है, डेडिकेशन बनाते हैं और टीम वर्क बनाते हैं। स्पोर्ट यूनिटीज पीपल एंड फॉस्टर्स पैट्रोटिज्म। इट हेल्प अस टू हैंडल फेलियर बेटर। ये हेल्प करता है हम लोगों को हैंडल करने के लिए, जो भी हमारी लाइफ में फेलियर्स होते हैं उसको अच्छा करने के लिए भी स्पोर्ट खेला जाता है। इट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशन एंड हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथ आर डिटर्मिनेशन। ये इन्वॉल्व करता है हमें कॉम्पिटिशन और हेल्प करता है हमारी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट सोशली, और ये हम लोगों को समाज के अंदर आपस में इंटरेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, और इट टीचेस अस द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये हम लोगों को ये भी सिखाता है कि क्या वैल्यू होती है डिसिप्लिन, क्या वैल्यू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वैल्यू होती है सेक्रीफाइस की और अकाउंटेबिलिटी की। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि इसको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करिए। फिर भी अगर कोई बच्चों को कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस फोटो, उस जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसकी स्नैपशॉट लेकर मुझे फोटो पे, मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो लाइन मुझसे पूछ सकता है। मैं उसको स्कूल टाइमिंग के अंदर कभी भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा हो प्लीज़ मुझे पूछा करें, सिर्फ स्कूल टाइमिंग के अंदर, मुझे स्कूल टाइमिंग के बाद ना पूछा करें। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से, मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।